morning, friends. This is Nishit Sehgal, and you're watching Being Sehgal. जो घूमता है, खाता है और खूबसूरत से नजारे दिखाता है। दोस्तों, अभी आपने देखी लास्ट रिसेंट वीडियो मैंने रिलीज करी है। मैं आया हुआ था तिरुपति, कल हम गए थे तिरुपति बालाजी के दर्शन करने। बहुत ही अद्भुत, बहुत ही बढ़िया नज़ारे हुए। और अभी मैं हूँ, मॉर्निंग के 6 बजे हैं अभी, और अभी हाईवे पे हूँ मैं जा रहा हूँ तालाकोना वाटरफॉल, जो यहाँ से तिरुपति से अराउंड 50 किलोमीटर से 1.5 घंटे का रास्ता है। तो अभी सनराइज हो रहा था, दैट आई थॉट कि मैं आपको दिखाऊँ। सनराइज हो रहा है यहाँ पे, और वहाँ पे देखिए नीचे से ही यहीं से दर्शन करिए तिरुपति बालाजी के। आई डोंट नो इसमें आपको दिख रहा है कि नहीं, बट यहाँ से मेरे को साफ दिख रहा है, लाइट भी जल रही है वहाँ पे। क्योंकि गोप्रो है, गोप्रो की इतनी अच्छी जूमिंग पावर नहीं है, बट स्टिल आई ट्राई टू शो यू। और ये सनराइज देखिए इतना बढ़िया हो रहा है। सह्याद्री हिल्स हैं यहाँ पे, और इतने बढ़िया पर्वत लग रहे हैं, बहुत ही शानदार सनराइज, वाओ। एंड हियर इज माई बाइक, हिमालयन रॉयल एनफील्ड, बहुत ही बढ़िया राइड करने में मज़ा आ रहा है। तो आपने अगर मेरी लास्ट वीडियो देखी है, तो जब मैं तिरुमल्ला से नीचे उतर रहा था, तो मेरी ब्रेक फेल हो गई थी बाइक की, तो बालाजी ने बचाया, हैंड ब्रेक चल रही थी। बट क्योंकि बहुत कर्वी घाट है, बहुत कर्वी ड्राइव है, बट ठीक है, पहुँच गए सही सलामत, कोई दिक्कत नहीं। मैंने रीचेक करा लिया, तो जो प्रॉब्लम थी वो सॉर्ट आउट हो गई है। अब यहाँ से हम चल रहे हैं तालाकोना, तो दिखाते हैं आपको आगे। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है आपने, कर लो यार। Being Sehgal, थैंक यू। एक नहीं, हेलमेट पहनना थोड़ा सा मुश्किल हो गया मेरे लिए, नया नया चांद निकला ना सर पे, तो छू रहा है। चलो चलते हैं। वो कहते हैं ना, मंजिल से ज्यादा खूबसूरत रास्ता होता, वैसा ही कुछ यहाँ हो रहा। अब मंजिल कैसी होगी, क्या होगा, वो तो जाके पता चलेगा। फिलहाल मुझे इस रास्ते से प्यार हो गया, बहुत ही खूबसूरत। पूरा रास्ता वेंकटेश्वर नेशनल पार्क से होकर गुजरता, घना जंगल है। सुबह सुबह बाइक चलाने में मजा आ रहा, मीठी मीठी ठंड हो रही है और आनंद ही हो रहा है, क्या बात है। और इसी बात पे ना मुझे एक शेर याद आ रहा है, इरशाद है, मुलायजा फरमाइए। वक्त मिला तो तेरी उलझी जुल्फों को सुलझा देंगे, वक्त मिला तो तेरी उलझी जुल्फों को सुलझा देंगे, अभी तो खुद ही उलझे हैं वक्त को सुलझाने में। तो शेर अच्छा लगा हो गालिब साहब का तो सब्सक्राइब कर देना। जिंदगी जिंदाबाद। मेरे सामने आप देख रहे हैं मेन गेट तालाकोना वाटरफॉल का। छोटी सी दिक्कत ये होगी कि मेरे माइक का बटन ऑफ था, तो जो भी उस टाइम मैं बोल रहा था वो रिकॉर्ड नहीं हुआ, आपको वॉइस ओवर से बता रहा हूँ। मेन गेट अभी क्लोज है, गार्ड नहीं आया अभी। यहाँ से अराउंड 1.5-2 किलोमीटर का रास्ता और है, तो बाइक तो मैं साइड से ले जाऊँगा। यहाँ पे लेफ्ट में कुछ शॉप्स बनी हुई, ग्रोसरी स्टोर, तो जहाँ से आप फूड आइटम्स वगैरह, हल्की फुल्की चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक वगैरह कुछ ले सकते हैं। वैसे तो घर से लेके आए, बट यहाँ से अगर कुछ लेना हो तो अल्टीपुल की चीज मिल जाती है। चलो चलते हैं आगे। बाइक मैंने यहाँ पे लगा दी है, हेलमेट भी बांध दिया है इस पर। चलो चलते हैं ऊपर, देखते हैं कैसा है क्या है। अभी यहाँ पे और कोई भी नहीं है, अकेले ही लग रहा हूँ मैं। शूज़ ढीले नहीं करना चाहता, जय श्री राम। अभी 7:40 हो रहे हैं और मेरी फ़्लाइट है तिरुपति से 2:30 की। एक्चुअली पहले तो मैंने प्लान किया था ऐसे ही कि मैं पूरा एक्सप्लोर करूँगा यहाँ पे। पहले मेरी फ़्लाइट थी 7 PM की डायरेक्ट फ़्लाइट, बट अनफॉर्चुनेटली वो प्रीपोन होगी, कैंसिल होगी, क्या हुआ। तो मेरे को ऑप्शन दिया गया इन्होंने कि 2:30 तिरुपति लेंगे, फिर हॉल्ट होगा पुणे में,
और पुणे में मेरा एक बहुत ही अजीज फ्रेंड रहता, तो आई थॉट कि पुणे में हॉल्ट ले लेते हैं। अराउंड 12 घंटे का हॉल्ट है, मतलब फ्री में रहना भी हो जाएगा, पहुंचना भी हो जाएगा, जाना भी हो जाएगा, तो और क्या चाहिए। तो मैंने वो फ्लाइट ले ली कि पुणे में 12 घंटे का हॉल्ट है, तो कल मॉर्निंग आई विल बी रीचिंग माई होम। अच्छा लगा 4-5 डेज पूरे। अगर आपने पिछली वीडियोज़ देखी हैं मेरी, तो मैं अयोध्या जी भी होके आया, वाराणसी भी, प्रयागराज भी, और एक काइंड ऑफ तीर्थ यात्रा पे था। और 10 दिन बाद उसके तिरुपति जी दर्शन कराए और मुंडन कराया, तो काइंड ऑफ तीर्थ यात्रा हो गई है मेरी सोलो ट्रिप पे। तो अच्छा लग रहा, आपको कैसा लगा, क्या लगा तो बताएं ज़रूर। और चैनल सब्सक्राइब नहीं करा अभी तक तो कर लो यार। बाकी रास्ता बहुत खूबसूरत लग रहा है मेरे को, चलते हैं देखते हैं क्या है। तालाकोना वाटरफॉल्स, तो आवाज़ आ रही है ना पानी की, बहुत अच्छी लग रही है, एक्साइटमेंट और बढ़ रही है मेरी। अब कितनी दूर आगे पता नहीं, देखते हैं। चिड़िया दिख रही है मेरे को, कैसे जाना ऊपर। यहाँ से चले ट्रैक करके। जय माता दी। तो रास्ता ख़त्म ही नहीं हो रहा, और आवाज़ें जो आ रही हैं बॉर्डर की भी और बर्ड चिरपिंग भी ना, बहुत अच्छी लग रही है। बिल्कुल डेंस फॉरेस्ट में इंटरनली ये वाटरफॉल बना हुआ है। वाओ क्या बात है, सुबह सुबह है, टाइम है 8 बज गए हैं, कोई भी नहीं है, प्रकृति का एहसास ना अलग ही हो रहा है। मतलब इतनी थोड़ी सी थकान हुई थी ना चलने आने में, अराउंड 1 किलोमीटर का लगभग ट्रैक होगा। देख के बहुत ही सही लग रहा है, क्या बात है। तो ये एक पॉन्ड बना हुआ है, यहाँ पे आप नहा सकते हैं। और वो है तो लोग, मेरे को लग रहा है यहाँ पे लिखा हुआ है डोंट डाइव एंड डाई, तो वे भी लोग यहाँ पे डाइव करते होंगे, तो कि डेप्थ इतनी नहीं है पॉन्ड की, कोई भी हादसा हो सकता है। अब यहाँ पे थोड़ी देर बैठते हैं, फिर मूड बनाते हैं, तो एक बार ही तो अंदर जाना तो बनता भी, इतना आया तो है ना। जिंदगी का मजा ना वाटरफॉल में है, बाय बार मजा आ गया। अब यहाँ पे आओ ना तो ऐसे ये एक मत करके जाओ, ये जो हुआ हुआ यहाँ पे लेटरिंग देखो। आए हो नेचर का एंजॉय कर रहे हो, अच्छा लग रहा है आपको, तभी आए हो राइट, तो दूसरा आया उसको भी अच्छा लगे ना, ये एक मत करके जाओ यार। ये देखो सारा निशानियाँ मत छोड़ के जाओ, किसी ने प्यार की निशानी छोड़ी हुई है, किसी ने गन की निशानी छोड़ी हुई है, नॉट गुड। नहाने का मन तो कर रहा है, पर ना थोड़ा सा यहाँ पे जाने में डर सा लग रहा है, पता नहीं क्यों। और जब अंदर से वो ना आया ना तो नहीं करना चाहिए। तो अभी हम बस पंच स्नान करेंगे, क्योंकि मेरे को लेट हो रहा है, अभी 9 बज गए हैं, यहाँ से 2 घंटे का रास्ता है, फिर 2:30 मेरी फ्लाइट है, तो टाइम से ही पहुँचना चाहिए। अभी बस पंच स्नान करते हैं, चलते हैं। पानी बढ़िया ठंडा है,
फैमिली के साथ में अच्छा एंजॉय हो सकता है, बढ़िया जगह है। आप तिरुपति का प्लान करते हैं तो एक दिन एक्स्ट्रा लेके ना यहाँ का बना सकते हैं। 50 किलोमीटर्स है बस तिरुपति से, तो पिलग्रिमेज में जपनी जगह है, वो प्रभु के दर्शन करिए अच्छा लगता है, और एक दिन करके ये इन्जॉयमेंट अपनी जगह है ना। तो एक दिन आधा दिन लगता है ना, 2 घंटे रास्ता है वन साइड, तो इन्जॉय करने आप आ सकते हैं। तो प्लान अकॉर्डिंगली नेक्स्ट टाइम आए तो विजिट करिएगा, बहुत सही। बाकी सब बहुत बढ़िया है, पर ये देखो जो लोग यहाँ पे निशान छोड़ के गए हैं ना अपने, वेरी बैड वेरी बैड। इस वीडियो को यहाँ पे अंत करते हैं, अब मैं चल रहा हूँ वापस। यहाँ से 2 घंटे की ड्राइव है टूवर्ड्स तिरुपति, फिर तिरुपति से मेरी फ्लाइट है फॉर पुणे। पुणे जाके देखेंगे कुछ वीडियो आगे और बनती है कि नहीं, क्या होता है। और चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लो, और साथ में बेल आइकन दबा दो कि आगे की वीडियो जो भी आए आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और अच्छी लग रही है तो थम्स अप कर देना या कमेंट कर देना। बीइंग सेगल, थैंक यू, जिंदगी जिंदाबाद।